बागेश्वर वाले बाबा को जानते हैं? हाँ। बिहार आ रहे हैं भैया? हाँ नहीं जानते हैं? नहीं। 13 मई को आ रहे हैं, प्रवचन सुन लेंगे? हाँ हाँ, टीवी पर सुनते हैं। सुनते हैं? हाँ, बहुत अच्छे देते हैं प्रवचन, बहुत अच्छे बाबा हैं। आज बोलते हैं जो चमत्कार करते हैं, सच में चमत्कार करते हैं? अभी तो हम उनसे इस चीज के बारे में कभी नहीं मिले हैं। नहीं मिले? नहीं। तो आपकी पर्सनली क्या है राय जो हो सकता है ऐसा? सबसे पहले तो भगवान ही चमत्कार करने वाले हैं। हाँ। उसके बाद कोई बाबा है? अबू तो उन्हीं के ऊपर है, जो करेंगे पहले भगवान करेंगे उसके बाद बाबा। तो जाति बात तो नेता फैला रहा है, धर्म जो धर्म का लोग, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, वो थोड़े जाति। संविधान में तो सबको राइट है जो अपने धर्म का प्रचार करे प्रसार करे, सबको राइट है। हाँ, लेकिन मंत्री नेता लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो खुद जातिवाद फैला रहे हैं, उनको लगता है कि सब जातिवाद ही फैला रहे हैं। लेकिन धर्म के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो जिसका धर्म है वो अपने अपने धर्म का प्रचार करें, कोई जातिवाद नहीं फैला रहे। हम किसी बागेश्वर धाम वाले बाबा को तो आप लोग जानते ही होंगे, वही बागेश्वर वाले बाबा जो बैठे बैठे अपने कुर्सी पर किसी भी व्यक्ति के मन का बात जान लेते हैं, और वो पटना आने वाले हैं। पटना में उनका जोरदार भव्य स्वागत होने वाला है। लेकिन कुछ नेता मंत्री हैं बिहार सरकार के जो चाहते हैं वो पटना ना आए। ऐसा कुछ नेता का कहना है कि उनको हम एयरपोर्ट पर ही घेराव कर लेंगे, रोक देंगे। तो कुछ मंत्री कहते हैं कि ये पाखंडी है, ये झूठ मूठ का कहता है। लेकिन नेता मंत्री का बात तो कुछ अलग है। हमें जानना है जनता की बात, जो जनता क्या सोचती है बागेश्वर वाले बाबा के बारे में। वो बिहार आने वाले हैं, उसको लेकर जनता क्या सोचती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम हैं महावीर मंदिर पटना में, और चलिए हम अंदर चलते हैं और जनता से बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या सोच है। बागेश्वर वाले बाबा बिहार आ रहे हैं तो उनको लेकर उनकी क्या राय विचार है। क्या नाम है आपका? बागेश्वर वाले बाबा का प्रवचन सुनते हैं? सुनते हैं जी, सुनते हैं। वो बिहार आ रहे हैं पता? हाँ, बहुत बढ़िया बात है, आना चाहिए उनको, सुनने चाहिए, एकदम जाएंगे। लेकिन कुछ मंत्री हैं, कुछ नेता हैं बिहार के जो कहते हैं ये पाखंडी है, सिर्फ ये ऐसे ही बकवास करता है, चमत्कार कुछ नहीं करता है ऐसा। तो क्या आप उनके चमत्कार पे विश्वास करते हैं? एकदम विश्वास करते हैं, आने वाला समय भी करेंगे उन पर। बहुत अच्छा लगता है उनका प्रवचन, और बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। 13 मई को आ रहे हैं जी? आ रहे हैं, 13 से 17 तक उनका प्रोग्राम है। जब तक प्रोग्राम रहेगा हम रहेंगे, और भाई जी एकदम रहेंगे। ठीक है, ठीक। हमारे आसपास के हैं, उनको भी कहेंगे कि चलिए और प्रोग्राम देखिए, बहुत बढ़िया। जय बाबा बागेश्वर। जय बाबा बागेश्वर। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। बागेश्वर वाले बाबा को जानते हैं? हाँ जानते तो हैं। वो बिहार आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? नहीं जानते ही बात। 13 मई को बिहार आ रहे हैं। अच्छा, पटना में ही? लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, ऐसा गलत है, ये गलत। हाँ, प्रवचन सुनते हैं? हाँ हाँ, टीवी पर सुनते हैं? सुनते हैं? हाँ, बहुत अच्छे देते हैं प्रवचन, बहुत अच्छे बाबा हैं। आज बोलते हैं जो चमत्कार करते हैं, सच में चमत्कार करते हैं? अभी तो हम उनसे इस चीज के बारे में कभी नहीं मिले हैं। नहीं मिले? नहीं। तो आपकी पर्सनली क्या है राय जो हो सकता है ऐसा? सबसे पहले तो भगवान ही चमत्कार करने वाले हैं। हाँ। उसके बाद कोई बाबा है? अबू तो उन्हीं के ऊपर है, जो करेंगे पहले भगवान करेंगे उसके बाद बाबा। 13 को आ रहे हैं, 13 मई को, तो आप जाइएगा? हाँ देखेंगे, कोशिश करेंगे। देखेंगे। कहाँ के हैं? हम तो यही दानापुर के हैं। दानापुर के? सगना मोड़। अभी दर्शन करने के लिए आए? हाँ जी, दर्शन। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? राम आनंद शर्मा। आप बागेश्वर वाले बाबा का नाम सुने हैं? हाँ सुने। वो बिहार आ रहे हैं पता है आपको? हाँ पता है। पता है कब आ रहे हैं बिहार? डेट नहीं पता? डेट नहीं पता है, हम ही बता देते हैं, 13 मई को बिहार आ रहे हैं। लेकिन उनके बारे में कुछ बिहार के नेता मंत्री का कहना है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम करता है, ये समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, समाज को बांटने का काम करता है। कुछ मंत्री हैं जो कहते हैं हम इनको एयरपोर्ट पर ही रोक देंगे, पटना एयरपोर्ट पर जब वो आएंगे तो उनको रोक दिया जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? नेता तो जातिवाद तो नेता फैला रहा है, धर्म जो धर्म का लोग, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, वो थोड़े जाति। संविधान में तो सबको राइट है जो अपने धर्म का प्रचार करे प्रसार करे, सबको राइट है। हाँ, लेकिन मंत्री नेता लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो खुद जातिवाद फैला रहे हैं, उनको लगता है कि सब जातिवाद ही फैला रहे हैं। लेकिन धर्म के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो जिसका धर्म है वो अपने अपने धर्म का प्रचार करें, कोई जातिवाद नहीं फैला रहे। हम किसी को बिहार आने से रोक सकते हैं क्या सर? क्यों रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, मेरा संविधान है रोकने का, नहीं रोक सकते। हम अगर किसी राज्य जाएंगे, अगर मुझे कोई रोक दे तो मुझे अच्छा लगेगा, वैसे ही हम किसी को नहीं रोक सकते है ना? बिल्कुल नहीं रोक सकते।
क्या लगता है बागेश्वर वाले बाबा सच में कुछ कुछ विवादित बातें हैं सच में ऐसा है जो वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, भारत को अखंड बनाने की बात करते हैं, जो कि विवादित बात है, बयान है, तो इस पर क्या राय है आप? उनका अपना धर्म है, अपना सोच है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अभी तो हाल फिलहाल में आप एजेंडा देखे हैं, 1947 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाना भी लोग चाहता था, वो पेपर में आया है, सारा बात है, तो अपने हिसाब से चल रहा है और उनका अपना विजन है। ये तो पहले हिंदू राष्ट्र ही था, तो यहाँ आकर जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब हुआ ये तो था सनातन धर्म का ही, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो लोगों ने जातिवाद का बीज बो करके इसको इतना दलदल और इतना अच्छा, मतलब कि बाबा जब ये समाज में नफरत फैलाने का काम नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं बाबा, नफरत का काहे फैलाएंगे, वो तो संदेश दे रहे हैं प्यार का, संदेश दे रहे हैं धर्म का, वो नफरत काहे फैलाएं। लेकिन नेता मंत्री तो ऐसा ही कह रहे हैं ना, वो नफरत फैला रहे हैं, ऑफ कोर्स फैला रहे हैं, इसलिए उनका ऐसा सोच है। अच्छा, मतलब नेता मंत्री हाँ वो फैला रहे हैं। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। सस्ती बागेश्वर वाले बाबा को जानते हैं? हाँ, वो बिहार आ रहे हैं भैया। हाँ, नहीं जानते हैं? नहीं, 13 मई को आ रहे हैं। लेकिन कुछ बिहार के नेता मंत्री हैं, कुछ ही नेता मंत्री हैं जो उनको रोकने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो रोकना सही है? हमें नहीं पता इस बारे में, हम ना कुछ जान ही नहीं रहे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते हैं। उनका प्रवचन सुनते हैं? प्रवचन नहीं सुनते। नहीं सुनते? नहीं, बस ये जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री। आप जानते? नहीं जानते। नहीं जानते प्रवचन? नहीं नहीं नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, मेरा रुचि नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या राय है। चलिए आइए बात करते हैं। प्रवचन और आंटी देखते हैं, बागेश्वर वाले बाबा को पहचानते हैं? नहीं नहीं पहचानते हैं। वो 13 मई को बिहार आ रहे हैं, पता है? दोस्तों कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है, और यहाँ पर अभी मैं आई जो लोगों का क्या ओपिनियन है बागेश्वर वाले बाबा को लेकर, लेकिन कुछ लोग हैं जो बताते भी हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं नेता मंत्री, खुद ही ऐसा कर रहे हैं, अब बाकी बागेश्वर वाले बाबा समाज में नफरत फैलाने का काम नहीं करते हैं। अब बाकी आप बागेश्वर वाले बाबा के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।